हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे पास दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारी झालर दोस्तों ख़राब पड़ी हुई थी दोस्तों। ये दोस्तों इसमें डायमंड बल्ब वाली झालर हैं और रॉकेट बल्ब वाली झालर हैं। ये दोस्तों 100 मीटर वाली दोस्तों बड़ी सीरीज झालर हैं दोस्तों। चार पीस दोस्तों मेरे पास हैं दोस्तों, एक है दोस्तों ये वाइट वाला और तीन हैं दोस्तों ब्लैक वाले। ये दोस्तों इनकी डिब्बी हैं जिनमें दोस्तों एक सर्किट लगी होती है जिनके ज़रिए दोस्तों इनको ब्लिंकिंग कराया जाता है। ये वाली जो दोस्तों इसमें सर्किट लगी है दोस्तों, इसमें सारी सर्किटें दोस्तों ख़राब हो चुकी हैं। तो पहले दोस्तों मैं आपको एक बार ये आपको दिखा देता हूँ ओपन करके, कुछ इस तरीके से दोस्तों ये 100 मीटर की दोस्तों ये लड़ी है तीनों दोस्तों, और एक दोस्तों वाइट वाली है। चारों दोस्तों लड़ी काफ़ी बिग साइज में है दोस्तों, और ये दोस्तों न्यू है। कुछ इस तरीके से दोस्तों इसमें देख सकते हैं ये डिब्बी लगी हुई है, ये सारी डिब्बी दोस्तों इनकी ख़राब हो चुकी है। पहले दोस्तों मैं आपको एक बार इनको डायरेक्ट दोस्तों किस तरीके से जला सकते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इनमें दोस्तों जो वायरों को दोस्तों कुछ इस तरीके से इनको खोल लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता लगेगा कि दो हमारी लड़ी यानी कि बल्बों की सीरीज है, एक ये वाली और दो दोस्तों हमारे एक्स्ट्रा वायर हैं, वो दोस्तों हमारे हो गए न्यूट्रल, और ये वाले जो LEDs के हैं ये हमारे फेस हो गए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल हैं और जो हमारे LEDs की जो वायर हैं उनको दोस्तों आपस में लपेट कर उनको अलग अलग कर लेंगे। जो हमारे न्यूट्रल जो वायर था दोस्तों, वो दो वायर इसमें डले हुए, इन दोनों वायरों को दोस्तों आपस में जोड़कर एक हम वायर को बना लेंगे। ये हमारा 220 AC से कनेक्ट होगा दोस्तों, और वो दो जो हमारे दो वायर बचे हैं वो दोस्तों हमारी दो सीरीज है LEDs होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, दो वायरों को दोस्तों लेंगे जो 220 AC से हमने इनको जोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों हम इनको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी एक सीरीज जो है झालर की वो जलने लगी, और दूसरी सीरीज दोस्तों वो भी दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर इन्हें आप डायरेक्ट जलाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से दोस्तों जला सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें इसमें दोबारा से इसको दोस्तों एकदम न्यू तरीके से दोस्तों इसको बनाना है। तो इसको फिर वापस से दोबारा इसको रिपेयर करने के लिए दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, जो इसमें सीधी झालर की दोस्तों जो डिब्बी आती है उसके अंदर जो सर्किट लगी होती है वो सर्किट दोस्तों ख़राब हो चुकी है। तो हम इनकी सर्किटों को दोस्तों रिप्लेस करेंगे कुछ इस तरीके से दोस्तों। देखो हमारी दूसरी झालर, एक बार दोस्तों मैं आपको इसको भी दोस्तों एक बार चेक करा के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके वायरों को दोस्तों हम यहाँ से जो हमारे सीरीज झालर की सर्किट में दोस्तों कनेक्ट हैं तो वहाँ से हमने दोस्तों इसको निकाल दिया। फिर इसके बाद दोस्तों वापस से हम वैसा ही करेंगे, जैसे दो ये वाले दो वायर हैं वो हमारे LEDs की सीरीज हैं, और ये वाले दो वायर हैं दोस्तों वो हमारे कॉमन है, यानी कि आप इनको या तो न्यूट्रल या फेस दोनों में से कोई भी एक मान सकते हैं। तो इसको उसी तरीके से दोस्तों हमने इसको लपेट लिया है, और जो दो हमारे जो वायर थे दोस्तों जो हमारे न्यूट्रल थे तो इनको दोस्तों हम आपस में जोड़ने के, और फिर उसको हम दोस्तों दो वायर हैं तो दोस्तों हम उनको 220 AC से कनेक्ट करके इनकी सीरीजों को दोस्तों हम LEDs की जो दो सीरीज हैं उनको चेक करेंगे कि दोस्तों ये वर्क कर रही हैं या नहीं। तो हमने दोनों वायरों को दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इसमें लगा दिया है। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाली सीरीज दोस्तों हमारी काम नहीं कर रही है, तो यानी कि ये वाली जो झालर है दोस्तों वो अंदर से थोड़ा डैमेज होने की वजह से वर्क नहीं कर रही है। इसमें से कुछ बल्ब वगैरह या फिर दोस्तों वायर भी दोस्तों ख़राब हो सकता है। तो अब हमारे पास दोस्तों ये तीसरी झालर है, इसको भी दोस्तों हम कुछ इस तरीके से दोस्तों इसको ओपन कर लेंगे। दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों हम इनको क्या करेंगे, इसमें दोस्तों जो हमारे वायर दोस्तों जो हैं जो हमारे सीरीज झालर की जो डिब्बी में लगे थे उनको दोस्तों कुछ इस तरीके से निकालने के बाद फिर उसको हम थोड़ा दोस्तों वायरों की जो इसमें आपस में लपेटे हुए थे इनको दोस्तों खोलेंगे। खोलने के बाद दोस्तों हम इसमें देखेंगे तो कौन सा हमारा न्यूट्रल है और कौन से हमारे बल्बों की सीरीज है। तो ये वाले दोस्तों हमारे बल्बों की सीरीज है वो कॉमन है, ये दोनों हमारे बल्बों की सीरीज है, इसको हम एक बार चेक करेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इस वाली झालर के दोस्तों हमारे जो LEDs हैं वो जल चुके हैं, यानी कि इन दोनों की सीरीज प्रॉपर वर्क कर रही है। तो इनमें दोस्तों हम दो हमारी झालरों की
जो सीरीज हैं वो सही निकली हैं। तो इनमें दोस्तों न्यू सर्किट दोस्तों लगाएंगे। सर्किट को दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, इसमें दो चैनल हैं और एक कॉमन है। तो ये दो चैनल की सर्किट दोस्तों हम कुछ इस तरीके से दोस्तों इसमें ही हम लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसमें न्यूट्रल को कनेक्ट किया है। अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें जो हमारे दोनों LED जो की दोस्तों जो हमारी वायर हैं इनको दोस्तों हम क्रम से इसमें जोड़ देंगे जो हमारे चैनल हैं दोस्तों, जो हमारी PCR इसमें ट्रांजिस्टर दोस्तों लगी है उसी के साथ दोस्तों हमने इसमें उसी की लैग के साथ दोस्तों मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। अब इसमें हम 220 AC को दोस्तों जोड़ने के लिए हम इसमें एक लीड के वायर को दोस्तों भी इसमें हम कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमने दोस्तों जो आप देख सकते हैं हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारी दोस्तों झालर है वो दोस्तों बन चुकी है। अब दूसरी झालर को भी दोस्तों हम क्या करेंगे कुछ इस तरीके से दोस्तों, हम इसमें भी दोस्तों एक जो सर्किट दोस्तों है सीधी झालर की दोस्तों न्यू सीधी झालर सर्किट दोस्तों किस तरीके से हम इसमें लगाते हैं। तो जो हमारी कॉमन वाली पेन है उसमें हम न्यूट्रल या फेस कोई भी दोस्तों इसमें वायर जोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारी दो LED जो की दोस्तों जो हमारी सीरीज है उनको हम दोस्तों इसमें PCR जो ट्रांजिस्टर लगी है उसी को दोस्तों इसमें हम जोड़ देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम इसमें भी 220 AC इनपुट करने के लिए इसमें हम एक वायर के दोस्तों टुकड़े को दोस्तों यहां पर हम कुछ इस तरीके से इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पर दोस्तों बड़ी आसानी से हमने दोस्तों दो झालरों को दोस्तों इसमें सर्किट को दोस्तों लगा दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें तीसरी जो हमारे पास वाइट कलर की झालर थी इसका दोस्तों जो एक वायर है दोस्तों वो हमने इसमें दोनों दोस्तों जो सीरीज हैं उनको हमने जोड़ दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें कॉमन वाले वायरों को भी जोड़ देंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें 220 AC इनपुट करने के लिए दोस्तों हम इसमें एक वायर के टुकड़े को भी दोस्तों यहाँ पर हम लगा देंगे कुछ इस तरीके से दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो इनको हम दोस्तों आपको टेस्ट करके दिखाते हैं तीनों झालरों को दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बहुत ही आसानी तरीके से दोस्तों घर पर ही आपको इन बड़ी बिग झालरों को दोस्तों रिपेयर करके दिखाया है। और आप दोस्तों देख सकते हैं जो हमारी दोस्तों झालरे हैं वो कितना एकदम बढ़िया वर्क कर रही हैं और काफ़ी दोस्तों इसका उनका जो लाइटिंग है वो दोस्तों कितना बढ़िया तरीके से दोस्तों ब्लिंक कर रही है। और ये दोस्तों काफ़ी झालर देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप इनको घर पर ही दोस्तों रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इनको दोस्तों डायरेक्ट जलाना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों हमने आपको मेथड बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए।